हजरत इस्माइल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा है? हजरत इस्माइल से जब यह कहा गया, उनको ख्वाब आया कि अल्लाह ने कहा है कि तुम जो अपनी सबसे प्रिय चीज है तुम मुझे क्या दे सकते हो, तो वो गए अपनी बेगम साहिबा से, उन्होंने बात की और कहा कि अल्लाह ने मुझे लगातार ख्वाब में मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं अपनी प्रेशियस चीज देना चाहता हूं उनको। तो उन्होंने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो हमारा बेटा है, उस बेटा का नाम था इस्माइल, तो उन्होंने कहा अल्लाह को दे दो। तो वो बेचारे बड़े दुखी हुए और फिर उसके बाद उसकी माँ ने उसका सामान वामान तय किया और कहा कि भाई आप ले जाइए उसको। उसके बाप ने यानी हजरत इस्माइल ने इब्राहिम ने सॉरी इस्माइल को बताया कि बेटा ऐसे से अल्लाह ने सबसे नज़दीकी चीज़ मुझसे मांगी है और तुमसे प्यारा कोई नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें अल्लाह की राह में तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो उस बेटे ने भी बड़े हंस के कहा ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, बल्कि उस बेटे ने यहां तक कहा कि मेरे हाथ पैर बांध दीजिएगा जब आप मुझे मारें ताकि मैं कोई आपके साथ जद्दोजहद न करूं। और समाज देखिए कि जब वो गए और जब उसको रखा और जैसी तलवार उठाई तो अल्लाह का ईमान हजरत साहब इब्राहिम के ऊपर इतना था कि जब उनसे कहा कि सबसे प्रीशियस चीज तो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, जैसे ही वो मारने चले वो बेटा जो है बकरे की शक्ल में बन गया। मैं मुसलमानों से कहता हूं अगर अल्लाह पे जितना हजरत इब्राहिम का ईमान था अगर उतना ईमान नहीं है तो ईद भी मत मनाना, ये झूठ नहीं चलेगा। बाजार से बकरा खरीदो जिससे कोई लेना देना नहीं, उसे काट दो, कहते हमने अल्लाह मियां के लिए बड़ा काम कर दिया, अल्लाह मियां ने तो सबसे प्रीशियस चीज मांगी थी, बाजार से खरीदा हुआ बकरा तो नहीं मांगा था भाई। अगर हजरत इब्राहिम साहब की कन्विक्शन कमिटमेंट डिवोशन अल्लाह के प्रति इतना मजबूत था तो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। अगर तुम ये कहते हो कि हम ईमान वाले हैं हमारा मुसल्लत ईमान है तो जरा बेटे को ईद पे काट के दिखाओ, अगर तुम्हारा ईमान होगा तो बेटा जो है बकरे में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, जानते ईमान नहीं है उनका।